मुंह के हाल देखा है? सामने चढ़ा था गाइस, इसका मुंह देखो गिल्ला कैमरे की। भाई रेगुलर वाटर लेके आओ, ये भी बोतल है। नॉर्मल नहीं है? नॉर्मल पानी नहीं आता पाइप में, देसी में बोलना पड़ेगा। वेरी गुड। जो मेरा टोटल अमाउंट बना है भाई बाइक का, तो वो बना है भाई 11,652 रुपीज। सो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। और गाइस आज भाई मैं जा रहा हूँ भाई चंडीगढ़ अपनी बाइक की सर्विस कराने। साथ में भाई ये देख लो, अक्षय भाई हैं और राहुल जा रहा है भाई अपने साथ, है ना। तो अभी भाई सुबह के बज रहे हैं भाई 7:45, और एक बार मैं आपको बाहर का भी व्यू चेक आउट कराऊंगा, मतलब क्या हाल है भाई। जो भी होगा बाकी मैं आपको बताऊंगा कि मतलब कितने चार्जेस लगे मेरे इस बार की सर्विस में, हर एक चीज़। बाकी भाई थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे, वो भी रहेगा इस वीडियो में, है ना। बाकी भाई इस बार जो ये सेटअप है, आप सोच रहे हो भाई मोटो व्लॉगिंग सेटअप, तो भाई वो कुछ नहीं बचा है मेरे पास, ठीक है। जो सडन मैंने वीडियोज डाली होंगी तो उसमें आपको सबको देख के लग गया होगा पता कि क्यों नहीं, मतलब ये व्लॉग उस वजह से आया है और क्या रीज़न था, ठीक है। चलते बाकी ये देखो भाई, लेट बंदा यहाँ पे भी लेट है। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना ऐसे बंदों के लिए। सो भाई ये देखो अभी बंदे सोए हुए हैं, ठीक है, प्रॉपर। और एक बार आपको पहले बाहर का व्यू चेक करवाते हैं भाई कि ये देखो भाई क्या भाई धुंध बड़ी है ना बाहर। जय हो गणेश भगवान की। और अपनी बाइक को चलते हैं। नमस्ते अंकल जी, बस ठीक है, आप बताओ? ठीक है। हाँ जी अंकल जी, घर जा रहे हैं? नहीं नहीं चंडीगढ़ जा रहा हूँ। अभी का सीन कुछ ऐसा है भाई, देख लो पीछे लगा दिए कोस्ट गार्ड, कुछ नहीं दिख रहा भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा, वो ठीक करने को भी डर लग रहा है आगे तो कोई सुनसान प्राणी ना आ जाए। ओ भाई बड़का कपड़ों के मेरे हाल मेरे को दिख रहे हैं इधर, मुंह के हाल देखा है? सामने चढ़ा था। गाइस इसका मुंह देखो गिल्ला कैमरे की क्या हाल है? कैमरे का हाल ये देखो, इधर दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो मेरे को दिख ही नहीं रहा बड़का कुछ। ओ भाई मेरा चश्मा चला। हाय लोग, अभी ना अभी चश्मा रख दिया मैंने यार, चश्मे के बिना ही चलूंगा क्योंकि इतनी ओश में मैं आपको अपनी कंडीशन नहीं दिखा सकता। मेरे कपड़ों की हालत क्या है, इस टाइम गिल्ले हैं मैं सारे कपड़े। अभी जस्ट हम ना आप रख लो 1-2 किलोमीटर ही आए हैं। ये गाइस वो नया वाला हाईवे, पहले जो ना हम इस वाली साइड से जाते थे गुरवाना साइड से यहाँ से, बट अब जो ना वो कंप्लीट हो गया पूरा हाईवे चंडीगढ़ के लिए, तो भाई नेक्स्ट लेवल ही बताने वाला अब। अभी आप देखोगे, मैं भी वैसे फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ इस हाईवे पे, पहले और आपने वीडियो देखी होंगी वो तो अब इस चैनल पे तो नहीं मिलेंगी, पुराने पे होंगी। बट भाई ओ यार ये आ गई टनल, फर्स्ट टनल भाई 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 बहुत प्यारा सीन है। चंडीगढ़ 130, कांगड़ा 135, टनल नंबर 5 है ये, 60 की स्पीड आवर। अरे भाई साहब क्या ही सुंदर है भाई, टनल में तो प्रॉपर निक पड़ गया था। करो गाइस लैंडस्केप, ये चेक करो भाई लोग क्या ही लैंडस्केप है। वो धुन धुन पड़ी है, वो आ रहा अपना मोटू राम, ये चेक करो, ऐसे लग रहा है ना क्लाउड्स के अंदर बसों को सह रही है सारा ही। ये तो लेक है, पानी लेक जैसा है, बट वो ओ भाई पे गया है यार। हाँ जी मुड़का, मेरी भी आई करो है, ज्यादा उल्लंघन मत कर ही ना था।
तो भाई लोग अभी कैसे इनको जैसा भाई हम भाई चंडीगढ़ से हैं अभी पीछे भाई, और चंडीगढ़ रख लो यहाँ से अप्रोक्स 32 किलोमीटर, एंड यहाँ पे रुके हैं भाई खाना वगैरह खाने के लिए, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं यहाँ पे, और अप्रोक्स अभी टाइम हो रहा है भाई 9:45 के करीब है, बाकी ये सब कुछ है भाई है ना, और जल्दी से करते हैं ब्रेकफास्ट एंड देन निकलते हैं भाई यहाँ से। भाई रेगुलर वाटर लेके आओ, ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल पानी नहीं आता पाइप में, देसी में बोलना पड़ेगा। वेरी गुड, देख रहे हो मेरे बाप का स्टाइल है ब्रो। गाइस अभी खाना खुना खा के निकला है तुम्हारा भाई, और हम जा रहे हैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा चंडीगढ़, लाइक 15 किलोमीटर है यहाँ से पूरा चंडीगढ़, तो 20 के मिनट तो लग ही जाएंगे पहुंचने में, 20 मिनट में चंडीगढ़, और फिर बाइक की सर्विस वर्विस कराएंगे, देन उसके बाद देखते हैं। थोड़ा सा इसने अपनी बहन के लिए सामान भी लेना है, तो वो यहीं पर स्टडी करती है, तो उसको कुछ सामान वगैरह भी देना है ख़रीद के, तो वो सब करना है शॉपिंग वगैरह, देन उसके बाद देखते हैं क्या सीन है, कि आज ही निकल जाना घर के लिए या यहाँ पे एक नाइट स्टे करेंगे, देखते हैं भाई क्या सीन है। ओ चाचा काली गलत है, ये लो गाइस अभी पहुंच गया मेन चंडीगढ़, और यहाँ से BMW 2-3 किलोमीटर ही है, अभी तो याद भी हो गया थोड़ा बहुत रास्ता, मतलब पहले तो मैप देख के आने पड़ता था ना, अब पूरा याद है। तो भाई लोग अभी कसम कुछ ऐसा यार, मैं हूँ अभी भाई BMW शोरूम, और भाई अभी चल रही है भाई अपनी बाइक की सर्विस, और टाइम तक तो भाई अभी आपको क्या हो गया है, शाम के भाई 4:30 हो रहे हैं ना, और अप्रोक्स भाई 11 बजे की लगी अपनी बाइक, एंड भाई उसमें मतलब सब कुछ चेंज करवा दिया भाई, जो चेंज होने वाला था वो मैं आपको एट दी एंड बताऊंगा भाई, जो बिल उसका बनेगा है ना, और फिलहाल भाई उसके अभी भाई जो डिस्प्ले है भाई उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, तो भाई उस रिगार्डिंग भाई अभी हम वेट कर रहे हैं, बाकी सर्विस वगैरह हमारी जो डन हो चुकी है ना, तो देखते भाई और कितना टाइम लगता है हमें यहाँ पे। बाकी ये रहे भाई अपने भाई लोग, ये भाई भी मिले हैं हमें अम्बाला से हैं ना, ये अपने दोनों भाई, और देखते भाई क्या प्लान रहता है बाकी है ना, तो करते वेट देन उसके बाद करता हूँ मैं आपको अपडेट। 11 बजे से बैठे हैं सर्विस कराने, शोरूम बंद होने का टाइम आ गया, एम्प्लॉई सारे चले गए हैं, हमारी बाइक वो लगी है वो है, देखते हैं अभी क्या सीन है। मैंने तो सोचा मैं घर चला जाऊँ, मतलब मंडी चला जाऊँगा वापस, 9-10 किलोमीटर ही है यहाँ से, और हाईवे भी ठीक ही है, आपने देख ही लिया कैसे आए हम, तो बाकी देखता हूँ यार क्या बनता है, मेरा तो मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, मेरा मन है कि मैं चल जाऊँ, बट देखते हैं अभी क्या सीन बनता है। तो भाई लोग अभी का सीन कुछ ऐसा भाई, अपनी सर्विस हो गई है डन, एंड अब लगे हम निकलने भाई, शाम के बज रहे 6, और देखो भाई अक्षय भाई के हालात क्या हाल है भाई, भाई पता नहीं आजकल पता नहीं क्या है इसको, चिड़चिड़ा हो गया है ना, और बड़े ज़्यादा गुस्सा करता है, और मुझे नहीं पता है कि क्या है, बताऊँगा मैं कभी फ्यूचर में क्या चीज क्या करते हैं, बाकी भाई वो देखो अपनी भाई चमक गई सामने, दिख रही होगी आपका ना, तो करते भाई लोग अभी BMW से निकल रहे हैं, बाइक की सर्विस हो गई है, टाइम हो रहा है 6:25, तो देखते हैं भाई क्या सीन रहता है, डिनर वगैरह कहाँ करते हैं कहाँ नहीं, या रूम पे करेंगे, प्लान ये है कि हम सीधा अब मंडी जा रहे हैं, तो वहीं पे रुकेंगे सीधा। ले बड़का पुजिए माल लंडा बा ना हो गया क्या ऊपर से उठ गई है, अच्छा वो कुत्ता जो मरा था समझ गया मैं, तो बड़का उड़ा चल मैं तो मां तो 17 दे ऊपर जा ही नहीं आसिया ते बड़का विजय दूसरा मैं ले रे गद्दा कुत्ता होऊंगा खून पिया मैं चूत हड्डी ए भैन तुहाडी है पर जड़ी है तो भाई लोग अभी हम रुके हैं अपने वही ढाबे पे जो आपको पता ही है पर्सनल ढाबा, वही रुके हैं, बाकी अभी रोटियां वगैरह आ रही हैं, थाली आ गई है अपनी बेज स्पेशल, ये निखिल भाई की चॉइस है बेज स्पेशल थाली, स्पॉन्सर्ड बाय जर्नी टुगेदर, तो
बाकी अभी खाते हैं अपनी बैच स्पेशल थाली, उसके बाद बढ़िया रेस्ट करके निकलेंगे यहाँ से। लोग अभी का सीन कुछ ऐसा है भाई, हम पहुंच गए भाई सर्विस करवा के, और भाई आज है नेक्स्ट डे, टाइम हो रहा है भाई पता नहीं रात के बज रहे होंगे अभी 8:30 इस टाइम कर रहा हूँ भाई मैं शूट, है ना। तो भाई पिछली रात आने का रीजन है भाई अक्षय भाई की जो हरकतें हैं उनके कारण भाई हमें आना पड़ा, एंड उन सबको हम इग्नोर करते हैं हम, और अब आते हैं भाई मेन चीज पे, जो कि मैंने आपको बताया था कि एट दी एंड मैं आपको बताऊंगा जो कि मेरी बाइक का बिल बना हुआ है कितना बना, सर्विस चार्जेस वगैरह हर एक चीज। तो ये रहा भाई सारा बिल, है ना, तो ये आप देख लो एक बार, है ना, पूरा पूरा बिल आपके सामने है। टोटल अमाउंट बना है भाई मेरा 6,470 रुपीज। ये है भाई जो मेरा भी पार्ट जो इसमें एड ऑन हुए हैं, यह सब उन चीज उनका है, ठीक है प्राइस। अब आते हैं भाई हम सेकंड बात करें तो भाई जो लेबर चार्ज लगे हैं अब उस बिल पे भी आ जाते हैं, तो टोटल चार्जेस बने हैं मैं आपको वो बताता हूँ। तो भाई 4,382 रुपए, इसमें भाई जीएसटी एड ऑन हुआ है भाई 788 रुपीज़, तो टोटल अमाउंट बना है भाई 5,172 रुपीज। तो भाई अब एट दी एंड भाई मैं बात करूँ ना तो भाई जो मेरा टोटल अमाउंट बना है भाई बाइक का 11,652 रुपीज़ सफिशेंट है भाई, मैं अपने दिल से बोलूँ तो, ठीक है 11,642 समथिंग रुपीज़ तो इनसफिशेंट, सॉरी सफिशेंट है मेरे लिए, क्योंकि एक साल बाद भाई सर्विस हुई 10,000 किलोमीटर पे, तो भाई इतना तो भाई हम समझ रहे हो ना आप, उम्मीद कर सकते हैं भाई BMW से, है ना। तो यही था भाई आज के ब्लॉग में, और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो भाई इसको भाई लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं आपको किसी एक नए अच्छे ब्लॉग के साथ, क्योंकि भाई अब मिलेंगे आपको सेक्सी ब्लॉग, तब तक के लिए बाय गाइस।